मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत है और ये वीडियो स्पेशल उन सभी साथियों के लिए होने वाला है जो अब जस्ट कुछ ही दिन बचा हुआ है SCGD LDCE CRPF के एग्जाम को देने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट जाएं गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ लिखें टोटल एग्जाम अप्लीकेशन को सर्च करें, डाउनलोड करें और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम लोग दो तरह के नोट क्लास दे रहे हैं, एक फुल कोर्स दे रहे हैं जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगा, यानी वीडियोस, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट, और एक हम दे रहे हैं स्पेशल नोट्स, ठीक है। जो फुल कोर्स ले रहे हैं उसे ऑलरेडी स्पेशल नोट्स के सारे मटेरियल मिल जाते हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ मिलेंगे आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। दो दो तीन चीज़ें और हैं इसके अलावा, जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, वेपन के टेक्निकल डेटा मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा बुक है जो हमने पिछले साल निकाला था और इस बुक को इतना प्यार दिया कि 5000 से ज़्यादा हमारे साथियों ने इस बुक को परचेज किया। ये आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन स्पेशल नोट्स खरीदते हैं तो ये बुक आपको मिल जाएगा जिसके अंदर प्रैक्टिस सेट टोटल 10 दिया गया है। तो आज हमने मॉडल प्रैक्टिस बुक जो वॉल्यूम 1 है इस बुक का नाम, जो स्पेशली हमने बनाया था SCGD LDC CRPF के जवानों के लिए, इससे हमने क्वेश्चन लिया है। टोटल कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो रीजनिंग से संबंधित होगा। और इस बुक को जो लेना चाहते हैं PDF फॉर्मेट में एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, स्पेशल नोट्स के अंदर और फुल कोर्स के अंदर भी। आपको हमने मोबाइल नंबर दे दिया, विशेष जानकारी के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 का सेट 1 के क्वेश्चन को, तो जितने लोगों ने बुक मंगाया है वो बुक को पलट के देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बना होगा जो हम डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और जितने लोगों ने कोर्स को ज्वाइन किया है उन्हें ऑलरेडी ये बुक मिल चुका है, चाहे वो स्पेशल नोट्स को परचेज किया हो या फिर फुल कोर्स को परचेज किया हो, तो वो लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जब सेट 1 ओपन करेंगे तो वास्तुकार, भवन, मूर्तिकार यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के जगह। तो वास्तुकार क्या करते हैं, भवन को बनाते हैं, उसी प्रकार मूर्तिकार क्या करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिमा को बनाएंगे। हम इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आपके पास कम समय है, क्विक रिविज़न करना है, जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जो लिखना था आपने लिख लिया, ठीक है, अब है समय रिविज़न का। अगला प्रश्न है बर्फ, ठंडा, आग। तो देखिए बर्फ जिस प्रकार से ठंडा से संबंधित है, आग किससे संबंधित होगा, लाल, गर्मी, नीला, गर्म, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गर्म से संबंधित होगा। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है रीजनिंग के क्लासेस में और इतना ज़्यादा अभ्यास दे दिया, ये सारे प्रश्न आप बना लिए हमने। अब देखिए यहाँ पे है AZBYCXDW, यानी इनका संबंध इनसे जिस प्रकार से है उसी प्रकार से इसका संबंध किसके साथ होगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पर लगाना है, यानी इनका संबंध ऑप्शन में से किसके साथ होगा, ठीक है। देखिए ए यहां था, यहां सी कर दिया गया, तो क्या किया इन्होंने, दो प्लस किया ABC, यानी यहां एक था यहां तीन हो गया, दो प्लस किया, ठीक है। यहां जेड, यानी जेड का क्या होता है 26, यहां पर मैं आपको समझाता हूं AZBY, ठीक है, और यहां पर इन्होंने लिखा है CXDW। तो देखिए ए का होता है एक, जेड का होता है 26, बी को होता है 2 और इसका होता है 25, ठीक। अब देखिए यहाँ इसका होता है 3, पहले लिख लीजिए, और इसका होता है 24, इसका होता है 4, ठीक है, और इसका होता है 23, ठीक है। अब देखिए क्या किया, यहाँ एक था और यहाँ पे आके ये बन गया 3, यानी प्लस 2 कर दिया। यहाँ 26 है और यहाँ कर दिया उन्होंने 24, यानी माइनस 2 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ आके कर दिया 4, यानी क्या किया, बी में प्लस 2 कर दिया। यहाँ है 25 और यहाँ कर दिया 23, यानी माइनस 2 किया गया, यानी प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, यानी एक हमें जो मेथड मिला प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, तो ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, इसमें EVFU, इसमें तो E का 5, इसका 22, इसका 6, ठीक है, और इसका 21। अब पहले में क्या करना है, माइनस 2
इसमें प्लस टू, इसमें माइनस टू, इसमें प्लस टू। तो देखिए पाँच में माइनस टू करेंगे, पाँच में माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा, पाँच में अगर आप माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा बी, कितना आएगा तीन, और तीन का क्या होता है सी, सी तो ऑप्शन में है ही नहीं, सी ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे ये, सॉरी यहाँ पे क्या था, प्लस पहले प्लस करना है, पहले प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, ठीक है। इसको मैं फिर से आपको लिख देता हूँ, पहले क्या करना है प्लस टू करना है, दूसरे में माइनस टू करना है, तीसरे में प्लस टू करना है, फिर चौथे में माइनस टू करना है, ये फॉर्मूला। तो पाँच है और दो जोड़ दिए सात हो गया, सात किसका मतलब होता है जी, दो माइनस करना है बीस हो गया, बीस मतलब टी, सिक्स प्लस टू कीजिए एट, एट किसका वैल्यू होता है एच का, और इक्कीस में माइनस दो करेंगे उन्नीस हो गया, ठीक है, तो उन्नीस किसका वैल्यू होता है एस का, तो जी टी एच एस, जी टी एच एस, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है छः पंद्रह बीस और क्वेश्चन नंबर, यानी छः को क्या किया गया है, यहाँ पे पंद्रह आया है, और बीस को क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यही चीज़ करना है। तो देखिए छः को आपको क्या करना है, छः गुना दो कीजिए बारह, प्लस छः का आधा कीजिए तीन, पंद्रह हो गया, तो उसी प्रकार से बीस को हम डबल कर देंगे चालीस, और बीस का फिर हम आधा कर देंगे दस, आधा करके जोड़ देंगे तो कितना हो गया पचास, तो पचास यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को एच पी बी एम लिखा जाता है, पोस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गोल जी ओ ए एल, गोल, और इसको क्या लिख रहा है एच पी बी एम, जी का सेवन पंद्रह एक और बारह, इसका कितना होता है आठ सोलह दो तेरह, तो क्या किया गया यहाँ पे, तो देखिए सात था आठ हो गया यानी प्लस वन किया है, ठीक है, पंद्रह था सोलह हो गया प्लस वन, एक था दो हो गया प्लस वन, बारह था तेरह हो गया प्लस वन, यानी सब में प्लस वन किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पी ओ एस टी इस सब में प्लस वन करेंगे, तो पी का क्या होता है सोलह, ओ का कितना होता है पंद्रह, एस का कितना होता है उन्नीस, और टी का कितना होता है बीस, अब जोड़ते रहिए, ठीक है। पी पी में वन जोड़ेंगे क्यू, ओ पी एस में एक जोड़ेंगे बीस, बीस किसका होता है टी का, और टी में एक जोड़ेंगे तो इक्कीस, और टी के बाद कौन सा अंक आता है यू, क्यू पी टी यू, क्यू पी टी यू, तो ऑप्शन डी में ये हमारा आंसर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को 5137 और बैट को 924 लिखा जाता है, तो गेट को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा, देखिए जी आई वी ई, इसको क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं 5137 और बैट को क्या लिख रहा है ये लोग, बैट को लिख के दे रहे हैं 924। तो देखिए जिस नंबर के सामने हमने लिखा है ना वो वैल्यू है, यानी यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन पकड़ना है, यहाँ जी है और फर्स्ट में, तो फर्स्ट में फाइव है, यानी जी का वैल्यू क्या है फाइव, आई का वैल्यू क्या है वन, भी का वैल्यू क्या है थ्री, और ई का वैल्यू क्या है सेवन, तो वही हमने लिखा है। लेकिन इतना लिखने का आपको ना एग्जाम सेंटर में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर पकड़ लेंगे फटाफट, ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है लेकिन थोड़ा बेसिक आप समझ लीजिए, है ना। तो हमें किसका आंसर चाहिए, गेट का, जी ए टी ई, इसका चाहिए। तो जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू है पाँच, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है दो, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है फोर, और ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू है सेवन, तो ये हमारा आंसर हो गया 5247। तो 5247 कहाँ है, ऑप्शन बी में, ठीक है। और अगर शॉर्ट ट्रिक में अगर बताना हो तो हमें निकालना है किसका, गेट का वैल्यू, तो लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट में टी ई, तो यहाँ पर हमें देखना टी कहाँ है, टी यहाँ है, टी का वैल्यू क्या है फोर, और ई ई कहाँ पर है, लास्ट में है, ई का वैल्यू क्या है सेवन, यानी फोर सेवन, तो लास्ट में जिस ऑप्शन में फोर सेवन आगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें फोर सेवन नहीं है, खत्म, फोर सेवन नहीं है, खत्म, फोर सेवन नहीं है, खत्म, ये हो गया करेक्ट। अगर और किसी में फोर सेवन रहता तो एक डिजिट और हम चेक कर लेते, यदि कार को फोर तथा बॉक्स को फाइव हो तो गन को क्या हम लिखेंगे, कार को क्या लिख रहे हैं, कार को फोर है ना, कैसे फोर किया, सी का वैल्यू क्या होता है तीन, प्लस एक का चार, प्लस आर का अठारह, अठारह तीन इक्कीस एक बाईस,
अब बाय इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। दूसरा क्या है, बॉक्स बी ओ एक्स, बॉक्स बी को लिखते हैं 2, ठीक है, इसको लिखते हैं 15 और इसको लिखते हैं 24, यही चीज़ है। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा 41, यानी 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5। तो उन्होंने बॉक्स को 5 बताया है करेक्ट, इनको 4 बताया करेक्ट। अब हमें गन का आंसर चाहिए, ठीक है। तो जी का क्या होता है, जी का होता है 7, यू का होता है 21, प्लस एन का क्या होता है 14, सबको डोलिए 42 हो जाएगा, यानी 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है कौन सा सेट 2 4 8 जैसा है, यानी 2 4 8 क्या मतलब हुआ, दो फिर दो क्या हो गया है डबल हो गया है, दो क्या हुआ है डबल हुआ है यानी 4, और फिर 4 क्या हुआ है डबल हुआ है, ठीक है, यानी दो बार डबल हुआ है, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, ऐसे चला। तो हमें ऐसा सेट ढूंढना है, तो देखिए 8, इसको 2 को ना 2 बार गुना करना है, तो 2 × 2 = 4 ऐसा देख लेते हैं, 8 × 2 = 16 होना चाहिए, खत्म। 3 × 2 = 6 ये करेक्ट है, 6 × 2 = 12 ये करेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, इनको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर सी जो है करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ 5 × 5 = 2, 7 × 5 = 3, तो 8 × 4 क्या होगा, तो देखिए 5 × 5 ये 2 बोल रहे हैं, 25, तो फर्स्ट वाला अंक इन्होंने लिखा है। उसके बाद 7 × 5 यानी 35, फर्स्ट वाला अंक इन्होंने लिखा है। तो उठी तरीके से 8 × 4 करेंगे, 32 फर्स्ट वाला अंक लिखेंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 3। तो 3 जिस भी ऑप्शन में होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमने 9 क्वेश्चन लिया था, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन लेके हम लगभग इसमें इस बुक में 10 सेट है, तो लगभग 5 सेट हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। रंजन सर आपको इंग्लिश के सेट कंप्लीट करा देंगे इस बुक के, और आदिल सर ये आपको लास्ट में क्लास लेंगे। अभी रंजन सर और मैं क्लास आपको लेता रहूँगा, एक ही साथ सारा चलाऊँगा, फिर आपके पास टाइम नहीं है, रिविज़न भी करना है। आदिल सर जो है 1 दिसंबर से आपके मैथ वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इस सेट में सब करा देंगे, ठीक है। और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए इस नंबर पे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, जल्द एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।